Hi guys, this is Rati and you are studying nursing with me. आज हम बात करने वाले हैं इंट्रावेनस डिवाइसेस के बारे में. इंट्रावेनस डिवाइसेस में बहुत सारे डिवाइसेस आपके सामने होंगे जब आप क्लिनिकल सेटिंग्स में जाएंगे गाइस. बट जो डे टू डे रूटीन में काम आने वाली चीज़ है माइक्रो ड्रिप चैम्बर एंड मैक्रो ड्रिप चैम्बर, ये आपके नर्सिंग करियर में हमेशा इनको आप यूज़ करने वाले हैं. तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम्स में हमेशा ही पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस. तो चलिए देखते हैं कि माइक्रो ड्रिप चैम्बर एंड मैक्रो ड्रिप चैम्बर क्या होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो ड्रिप चैम्बर की. माइक्रो ड्रिप चैम्बर वो होते हैं गाइस जब हमें फ्लूड को बहुत ही स्लो रेट में देना होता है तब हम माइक्रो ड्रिप चैम्बर का यूज़ करते हैं, या फिर जब पेशेंट कोई बच्चा है या फिर कंडीशन है कि कोई पावरफुल मेडिकेशन आपको देनी है और वो बहुत ही स्लो रेट में देनी है ताकि जो उसका इफ़ेक्ट है वो एडवर्स ना हो, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इस कंडीशन में आप माइक्रो ड्रिप चैम्बर का यूज़ करते हैं. तो यहाँ तीन मेजर पॉइंट बनते हैं गाइस आपके, जब आपको फ्लूड स्लो रेट में देना हो या फिर कोई मेडिकेशन हो जो बहुत ही पावरफुल होती है तो उन्हें हमें स्लोली ही पेशेंट को देना होता है, या फिर लास्ट जो कंडीशन है कोई बच्चा है जिसे हमें मेडिकेशन देना है, इंट्रावेनस फ्लूड देना है, लेकिन हम उसे देंगे स्लो रेट में, तो हम यूज़ करेंगे माइक्रो ड्रिप चैम्बर का. अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है गाय वो है ड्रॉप फैक्टर की. ड्रॉप फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम्स में पूछा जाता है गाय, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. तो आप इसे इस तरीके से याद रखिए ताकि जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इसे मिस ना करें. माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, लेकिन जब ड्रॉप की बात आती है तो यहाँ पर जो ड्रॉप नंबर्स जो हैं ड्रॉप्स के वो यहाँ पर ज़्यादा है, 60 ड्रॉप्स पर ml है. तो याद रखिए कि यहाँ जो ड्रॉप का नंबर है वो ज़्यादा है. अब बात करते हैं मैक्रो ड्रिप चैम्बर की. मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, जो चैम्बर है ड्रिप का साइज में थोड़ा सा माइक्रो से बड़ा. इसे हम कब यूज करेंगे, जब हमें सॉल्यूशन को जल्दी से इन्फ्यूज करना है या फिर सॉल्यूशन जो है ठीक है यानी गाढ़ा है तो हम मैक्रो ड्रिप चैम्बर का यूज करेंगे गाइस. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो इसमें है, जो ड्रॉप फैक्टर है वो 10 टू 20 ड्रॉप्स पर ml होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम ये 10 टू 20 ड्रॉप्स ना आकर एग्जाम्स में 15 ड्रॉप्स आता है. तो आपको जब वहाँ पर 15 ड्रॉप्स वाला ऑप्शन दिखाई दे तो आप 15 ड्रॉप्स को ही चूज़ करिए. अगर वो एक ऑप्शन नहीं है तो फिर आप 10 टू 20 ड्रॉप्स का जो ऑप्शन अगर है तो आप उसे चूज़ करिएगा. तो मैक्रो ड्रिप में जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जब सॉल्यूशन गाढ़ा होगा तब आप इसे यूज़ करेंगे, या फिर आपको किसी इमरजेंसी कंडीशन में फ्लूड को जल्दी से इन्फ्यूज़ करना है तो आप माइक्रो ड्रिप चैम्बर का यूज़ करेंगे. और जो ड्रॉप फैक्टर होगा वो 10 टू 20 ड्रॉप्स पर ml होगा. आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी. सो थैंक यू एंड बाय.